आज बन ठन के कहाँ चल दिए? भूल गई, आज रामनवमी है। हाँ, आज तो मूर्ति बिठाई जाएगी ना। प्राण प्रतिष्ठा, तो थोड़ी देर के लिए मंदिर जाएंगे, वेदांति जी को अच्छा लगेगा। तभी आज पैंट बू शर्ट में है, वरना तो कुर्ता ही। कपड़ों में क्या रखा है, और माहौल तो तुम देख ही रही हो। वैसे भी अल्लाह किसी के कुर्ते की जेब में नहीं, दिल में होते हैं। ईमान दुरुस्त रहे, और क्या चाहिए। सच बात है। ये मेरे हाथों ने बनाया है, टक 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 ऐसे। बाबा, ये किसका घर है? ये भगवान का। भगवान कौन है? अल्लाह मियां के भाई। भगवान यहाँ खुद रहेंगे? हाँ, वो तो अभी भी रहते हैं। वो देखो, या अल्लाह, कितने अच्छे भगवान है। अल्लाह और भगवान अच्छे ही होते हैं बेटा। अल्लाह तो दिखते नहीं, पर ये तो दिखते हैं। अले मेले गुड्डे राजा, अल्लाह नहीं दिखते, भगवान दिखते हैं, लेकिन आंखें बंद करके तो दोनों ही दिखते हैं ना, हैं? जब हम दुआ मांगते हैं, हैं? इनके सामने दुआ मांगने से दुआ पूरी हो जाएगी? बेटा, सच्चे दिल से किसी के आगे भी दुआ मांगने से दुआ पूरी हो जाती है। और अल्लाह और भगवान इंसानों में फर्क नहीं करते, इसीलिए तो बाबा को बुलाया भगवान ने यहाँ काम करने के लिए। इंसान और इंसान के बीच में फर्क करता है तो सिर्फ इंसान। तुम कभी मत करना, समझे? हाँ। बाबा। क्या बाबा बाबा बाबा, कितने सवाल पूछोगे? जाओ जाके चुपचाप सो जाओ उधर, बाबा को काम करना है, हैं? अल्लाह रखा सिद्दकी उर्फ अल्लाह मियां। अल्लाह मियां हो तो मस्जिद में रहो, मंदिर में क्या करने जाते हो बे? नौटंकी देखो साले की, मार मारो और तब तलक मारते रहो जब तलक सच ना उगल दिया। सर, क्या प्लान था? क्या प्लान था? बोल, पुलिस को चकमा देता है। मुसलमान होके हिंदू बनता है साला, तोड़ देंगे रे बाप। बंद कर लो साले को। सच सच बता दे, अभी भी कायदे से पूछ रहे हैं, बाद में मार के फेंक देंगे ना, तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। अल्लाह के मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं साहब, मोहल्ले के लोगों को हमारे काम से ऐतराज है, सब हमसे नफरत करते हैं,
सब हमें काफिर कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान होकर हिंदुओं के मंदिर में काम करने जाते हैं। साहब हम क्या करें, हमें यही काम आता है। हमारे बाप दादा ने बनारस के कई मंदिरों में नक्काशी का काम किया है। भगवान दास वेदांति जी हमें बहुत मानते हैं साहब, उनके कहने पर ही हम ये काम कर रहे हैं। वेदांति जी हम पे बहुत भरोसा करते हैं, मंदिर का सोना तक हमें दे देते हैं, वो सोना घर जाकर हम पिघलाते हैं और नक्काशी के काम में इस्तेमाल लाते हैं। साहब हमने अपने हाथों से भगवान की मूर्तियां सजाई है साहब, अल्लाह कसम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। पहले हम ऐसे ही चले जाते थे लेकिन वेदांति जी ने कहा कि माहौल खराब है, इसलिए कपड़े बदल के जाते हैं ताकि हिंदुओं को ऐतराज ना हो। साहब यकीन नहीं है, वेदांति जी से पूछ लो। वेदांति जी से क्या पूछे बे, समझ रखा है? वेदांति जी ऐसा अधर्म करेंगे हा? मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं। वेदांति जी को फोन लगाओ रे, आते हैं तो ठीक, नहीं तो इनकाउंटर करके फेंक दो साले को गंगा में। यस सर। बख्शा मुझे तूने जहां, मेरे खुदा मेरे खुदा, हर दर्द की तू ही दवा, मेरे खुदा मेरे खुदा, रहमत की बारिश भी तू, खुशियों का मरकज भी तू, रहमत की बारिश भी तू, खुशियों का मरकज भी तू, तू रोशनी तू जिंदगी, दानिश कदा मेरे खुदा, रास्ता दिखा दे। ओम भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मियां लोगों की नई कव्वाली है क्या बाबा? कव्वाली नहीं है, गायत्री मंत्र का उर्दू भावानुवाद है। दिल्ली से मित्र खुर्शीद अनवर ने भेजा है। कितना सुंदर है। लगी बाबा, उसने बताने की कोशिश की थी, हमको यकीन नहीं हुआ। देखिए माहौल ठीक नहीं चल रहा है, हमको अलर्ट रहना पड़ता है। अभी संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हो चुका है, इसकी हरकत देखिए, कपड़ा वपड़ा बदल के इधर मंदिर में घुस जाना, बताइए लोग क्या कहेंगे, क्या जरूरत है? आवश्यकता है, आपसी सद्भाव समाप्त हो रहा है, मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ रहा है। ऐसे में यदि रूप बदल के काम करना भी पड़े तो क्या हर्ज है? मनुष्यता की नियत यही है कि इसे बचाने के लिए जोखिम उठाने पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ने पर जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। बाबा बाबा एक मिनट, बस एक मिनट। मंदिर के गर्भगृह का काम मुसलमान से करवा रहे हैं, बताइए ये शास्त्र सम्मत है? आप अपनी थाली में आए अन्न को भी जांच कर खाते होंगे,
किसी हिंदू ने उगाया है या मुसलमान ने? आप तो नाराज हो गए, हम तो इतना कह रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं चल रहा है। काशी के अधिकतर मंदिरों में इसी के पुरखों ने काम किया है, इससे अच्छा कारीगर दुर्लभ है, यही नियति है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? विश्वनाथ की इच्छा। अपने कारीगर को कहिएगा जरा संभल के काम करे, देखिए कुछ हो वा गया तो सारा दोष हम पे आएगा। अरे चाय मंगवाओ रे।